हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे सर्कुलर प्लेन का आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जाता है। वैसे आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है वो हमने इसके पहले के वीडियो में बताए थे। उसी के साथ साथ आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ करना वो भी हमने इसके पहले के वीडियो में बताए थे। अगर आपने इसके पहले का वो वीडियो नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो का लिंक दिया है, आप वो वीडियो देख के समझ सकते हैं कि कैसे आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करते हैं। वैसे अभी वो वीडियो का लिंक देखिए ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप ये बटन में क्लिक करके डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बीच में का डिफरेंस पता होना चाहिए। आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये दो अलग अलग टर्म्स है। एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है आइसोमेट्रिक का तो उसमें ये दो टाइप के वर्ड्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन में लिखा हो ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू, या हो सकता है कोई क्वेश्चन में लिखा हो ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब ये आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई भी प्रॉब्लम में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए कहा तो आपको एक्चुअल लेंथ लेके ड्रॉ करना है, यानी ट्रू लेंथ लेके ड्रॉ करना है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लेके ड्रॉ करना है तो ऐसे में आपको आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज़ करके ड्रॉ करना है। इट मीन्स ऐसे में आपको आइसोमेट्रिक स्केल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा और आइसोमेट्रिक स्केल से आपको आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करके आपको कोई भी आइसोमेट्रिक का प्रॉब्लम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए आज हम ड्रॉ करेंगे आइसोमेट्रिक सर्कल। इट मीन्स सर्कल को हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ करेंगे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन का क्या मतलब है? कोई भी आइसोमेट्रिक जब ड्रॉ होता है तो वो तीन एक्सिस के बीच में ड्रॉ होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। ये तीन एक्सिस के बीच में कोई भी आइसोमेट्रिक बनता है। वो तीन एक्सिस जो है वो किस तरह से रहेंगी देखो हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ कहीं पे भी हमने एक पॉइंट ले लिए और अब हम यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे बीच में। और प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे हम तीन एंगल लेंगे। पहले 30 डिग्री का एंगल लेंगे, देन 90 डिग्री का एंगल लेंगे और इधर एक और 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे। और अब बाय यूजिंग स्केल इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड का जो 30 डिग्री का एंगल है वो हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, देन ये राइट साइड का 30 डिग्री का एंगल, देन ये 90 डिग्री का एंगल। तो ये देखिए, ये हमने राइट साइड में 30 डिग्री का एंगल लिए थे, लेफ्ट साइड में भी हमने 30 डिग्री का एंगल लिए थे और ये 90 डिग्री का एंगल। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। तो कोई भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक व्यू का प्रॉब्लम यही तीन एक्सिस के बीच में बनता है। ये तीन एक्सिस को कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस। और ये आइसोमेट्रिक एक्सिस में राइट साइड में आपको एक्सिस दिख रहा है, दैट इज एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में एक्सिस दिख रहा है, दैट इज जेड एक्सिस, और एक वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है, दैट इज वाई एक्सिस। यहाँ पे ये तीन एक्सिस दिख रही है। ये तीन एक्सिस के बीच में कोई भी आइसोमेट्रिक का प्रॉब्लम ड्रॉ होता है। तो आज जो हमें आइसोमेट्रिक ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है वो हमें एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन तीनों में हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन कहाँ पे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो प्लेन है वो है एक्स वाई प्लेन। ये देखिए ये है एक्स वाई प्लेन जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के बीच में ये जो प्लेन है ये है एक्स वाई प्लेन। उसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड में चेक करेंगे तो ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो प्लेन है वो है वाई जेड प्लेन। तो ये है वाई जेड प्लेन जो कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में है। और लास्ट में हमने नाम लिए थे एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होता है। इट मीन्स उसमें वाई एक्सिस नहीं रहेंगी, ऐसे में वो कुछ ऐसा रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये राइट साइड में एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में जेड एक्सिस, ये देखिए ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसमें हम वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं करेंगे। तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में ये जो प्लेन है ये है एक्स जेड प्लेन। तो आज हमें जो सर्कुलर प्लेन का आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है
इट मीन्स जो आज हमें आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है वो आज हमें एक्स वाई प्लेन में भी ड्रॉ करना है, वाई जेड प्लेन में भी ड्रॉ करना है और एक्स जेड प्लेन में भी ड्रॉ करना है, तीनों प्लेन में ड्रॉ करना है। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चले कि ये कैसे तीनों प्लेन में ड्रॉ होता है। अब ये कैसे होता है उसके लिए हमें सबसे पहले सर्कल लेना पड़ेगा। यहाँ पे सर्कल का हम लेंथ ले लेते हैं, सर्कल का डायमीटर ले लेते हैं 50 mm। 50 mm डायमीटर का हम सर्कल यहाँ बनाएंगे और फिर हम उसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे। 50 mm अगर सर्कल रहेगा तो सर्कल जो बॉक्स में फिट होगा वो बॉक्स का लेंथ भी 50 mm रहेगा। कैसे देखो हम बता रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो सर्कल यहाँ पे हम 50 mm डायमीटर का सर्कल है, इट मीन्स उसका रेडियस 25 mm है। तो हमने कंपास ले लिए, कंपास में रेडियस हम ले लेंगे 25 mm, इट मीन्स 2.5 cm, यानी डायमीटर उसका 50 mm यानी 5 cm। और हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, तो यहाँ पे 50 mm डायमीटर का अगर हम सर्कल बनाएंगे तो ये देखिए सर्कल, तो ये देखिए ये हमने एक 50 mm डायमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया है। और ये सर्कल जो आपको दिख रहा है ये सर्कुलर प्लेन का हमें आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है। और ये आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, तीनों में हमें इसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सर्कल को एक बॉक्स में फिट करना पड़ेगा, इट मीन्स एक स्क्वायर बॉक्स में आपको पहले फिट करना पड़ेगा, फिर वो स्क्वायर बॉक्स को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, देन वो स्क्वायर बॉक्स के अंदर में आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ होता है वो देखिए। तो सबसे पहले हम सर्कल को एक स्क्वायर बॉक्स में फिट कर लेंगे, स्क्वायर बॉक्स में फिट कर लेंगे। उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, ये सर्कल को एक स्क्वायर बॉक्स में फिट कर रहे हैं। ये देखिए एक वर्टिकल लाइन सर्कल के लेफ्ट साइड से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, एक और वर्टिकल लाइन सर्कल के राइट साइड से, और लास्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कल के ऊपर से। तो ये देखिए ये सर्कल जो है ये एक स्क्वायर बॉक्स में फिट हो गया। एक्स्ट्रा ये जो लाइन है इसको हम इरेज कर लेंगे। तो ये इस तरह से देखिए ये सर्कल जो है एक स्क्वायर बॉक्स में फिट हो गया। देखिए ये सर्कल एक स्क्वायर बॉक्स में फिट हो गया। ये स्क्वायर बॉक्स को हम नेमिंग दे देंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे अगर, तो ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का डायमीटर 50 mm था, तो ये हमने 50 mm डायमीटर का सर्कल ड्रॉ किया और ये सर्कल को हमने एक स्क्वायर बॉक्स में फिट कर लिए। तो ये देखिए ये ए बी सी डी ये एक स्क्वायर बॉक्स है और ये स्क्वायर बॉक्स का साइड भी 50 mm होगा, क्योंकि सर्कल का डायमीटर 50 mm है, तो स्क्वायर बॉक्स जो है उसका साइड वो भी 50 mm होगा। और अब हमें इसका आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है। तो सर्कल का डायरेक्टली आइसोमेट्रिक ड्रॉ नहीं होता, सर्कल के पहले आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ता है। इट मीन्स आपको सबसे पहले स्क्वायर का आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, देन वो स्क्वायर के आइसोमेट्रिक के अंदर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। और कैसे ड्रॉ होता है स्क्वायर का आइसोमेट्रिक वो देखिए अब। और ये हम सबसे पहले बनाएंगे एक्स वाई प्लेन में, तो सबसे पहले हम ये एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे स्क्वायर का आइसोमेट्रिक, देन उसके अंदर हम सर्कल का आइसोमेट्रिक बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमने सबसे पहले यहाँ पे आइसोमेट्रिक एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं और अब हमें यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है सर्कल का आइसोमेट्रिक। लेकिन सर्कल का आइसोमेट्रिक के पहले हमें स्क्वायर का आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर देखेंगे, तो यहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर है, वो स्क्वायर सबसे पहले आपको यहाँ ड्रॉ करना है, देन आफ्टर उसके अंदर सर्कल ड्रॉ करना है। तो अगर आपको सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर का ये जो लेफ्ट एंड है, ये जो बॉटम लेफ्ट एंड है, लेफ्ट का बॉटम एंड दैट इज ए, ये ए एंड आप यहाँ पे लेंगे, एंड ए आप यहाँ पे लेंगे। एक्स वाई प्लेन में जब आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है तो हमेशा लेफ्ट का बॉटम कॉर्नर आपको ग्राउंड में लेना है। देखिए ये जो व्यू है इसको कहते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू, ये है पूरा का पूरा ऑर्थोग्राफिक व्यू। आप ये ऑर्थोग्राफिक व्यू का यूज़ करके आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं। यहाँ पे जो आप बना रहे हैं वो है आइसोमेट्रिक व्यू, वो है 3D व्यू माने आइसोमेट्रिक व्यू, और ये जो व्यू है ये है 2D व्यू माने ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू से आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो अगर आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू से आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, तो अगर आपको आइसोमेट्रिक एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है तो ऑर्थोग्राफिक व्यू का लेफ्ट का बॉटम कॉर्नर आपको हमेशा ग्राउंड में लेना है। तो ये जो लेफ्ट का बॉटम कॉर्नर ए है वो एंड ए हम यहाँ पे ग्राउंड में लेंगे और अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, एंड ए तो हमने यहाँ पे शो किए, अब ए के राइट साइड में ये जो बी है वो आपको ये एक्स एक्सिस पे शो करना है।
ये ऑर्थोग्राफिक व्यू में जो लाइन हॉरिजॉन्टल है, जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस पे आएंगी या एक्स एक्सिस को पैरेलल आएंगी, और ऑर्थोग्राफिक व्यू में जो लाइन वर्टिकल है वो हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएंगी, माने वाई एक्सिस को पैरेलल आएंगी। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, एंड ए तो हमने यहाँ नीचे ले लिया है, अब ए के राइट साइड में ये जो बी है वो हमें इधर मार्क करना है। तो उसके लिए कंपास में ए से बी का लेंथ लेंगे, ए से बी का लेंथ कंपास में ले लो, कंपास को सेंटर ए पे रखना और एक्स एक्सिस पे आपको कट करना है। तो ये देखिए, ये हमने कंपास ले लिया, कंपास में ए से बी का हम लेंथ ले लेंगे। ये देखिए, ये हमने कंपास में ए से बी का लेंथ ले लिए, कंपास का सेंटर ए पे रखे और ए पे रख के आप इधर कट करेंगे। ये हमने कट किया, ये आपको बी मिल गया, तो वहाँ पे नेमिंग दे देंगे एज अ बी, तो हम यहाँ लिख लेंगे बी, ये हमें बी मिल गया। अब हमें सी और डी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए से लेके डी का लेंथ लेंगे, डी जो है वो वर्टिकल लाइन के ऊपर है। ये देखिए, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वर्टिकल लाइन के ऊपर है डी, तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन में होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू में, आइसोमेट्रिक व्यू में, वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होता है या वाई एक्सिस को पैरेलल होता है। तो ये देखिए, हम क्या करेंगे, ए से डी का लेंथ वो हम कंपास में लेंगे, ए से डी का लेंथ भी उतना ही रहेगा जितना ए से बी का था, तो ये हमने ए से डी का लेंथ लिए और ए के ऊपर रखे यहाँ पे। ये देखिए, कंपास का सेंटर ए पे रखो और इधर वाई एक्सिस के ऊपर आप कट करो, तो यहाँ पे जहाँ हमने कट किए वो आपको मिल गया डी। और अब आपको सी चाहिए, अगर आपको सी होना तो आप क्या करेंगे, ये देखिए बी से वर्टिकल लाइन पे है, बी से वर्टिकल लाइन पे है, इट मीन्स यहाँ पे भी बी से वर्टिकल लाइन पे रहेगा, और यहाँ पे डी से हॉरिजॉन्टल लाइन पे सी है। ये देखिए, डी से हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डी से एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली पैरेलल रहेगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल जो लाइन जाएंगी उसके ऊपर सी रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पे सी ड्रॉ करना है तो सी मार्क करने के दो ऑप्शन हैं, दो तरीके हैं। तो कैसे ड्रॉ होता है वो देखिए, अगर आपको सी ड्रॉ करना है तो आप क्या करिए, बी से सी का लेंथ कंपास में ले लीजिए, देखिए बी से सी का लेंथ और डी से सी का लेंथ जहाँ तक ये सेम है। ये देखिए, बी के ऊपर रख के हम क्या करेंगे, बी के ऊपर रख के इधर एक आर्क बनाएंगे। ये देखिए, बी के ऊपर रख के हमने एक आर्क बनाया और डी के ऊपर रख के भी हम एक आर्क बनाएंगे और इसके ऊपर कट करेंगे। तो ये देखिए, हमने जिसके ऊपर कट किए वहाँ पे आपको सी मिल गया, तो यहाँ पे आपको सी मिल गया ऊपर में, हमें ये ऊपर में सी मिल गया। या तो आपको ये सी निकालने के लिए एक और ऑप्शन है, आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस को रोलर स्केल ऐसा पैरेलल सेट कर लो, रोल कराते हुए डी तक लेके जाओ और डी से एक लाइन ड्रॉ करो, फिर उसके बाद वाई एक्सिस को रोलर स्केल ऐसा पैरेलल सेट करो, बी तक लेके आओ और बी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी होगा। तो आप इसके पहले जैसे हमने आर्क बना के मार्क किए थे, आप वैसा भी मार्क कर सकते हैं या तो रोलर स्केल से भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आइसोमेट्रिक में जो एक्सिस, एक्स एक्सिस जो आप देखते हैं, मैक्सिमम लाइंस जो हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल आती है या जेड एक्सिस को पैरेलल आती है, और जो लाइंस वर्टिकल होती है वो हमेशा वाई एक्सिस को पैरेलल आती है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो फाइनली हमें सी पॉइंट मिल गया, तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर हम ड्रॉ कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्क्वायर ड्रॉ हो चुका है, और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करना है। इसके अंदर सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चारों साइड का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर के जो फोर साइड्स है, चारों के चारों साइड का मिड पॉइंट लो, ए बी साइड का मिड पॉइंट, बी सी साइड का मिड पॉइंट, सी डी और ए डी, चारों साइड का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको यहीं से मिल जाएगा। ये देखिए, ये जो सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। ये देखिए, सर्कल के सेंटर से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने क्या किया, सर्कल के सेंटर पे हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। देखिए, सर्कल के सेंटर पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और अब हमें क्या करना है, ये चारों मिड पॉइंट का लेंथ हम यहाँ से लेंगे कंपास में, और वो लेंथ हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो कंपास लेंगे, कंपास से ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने कंपास लिए, कंपास में ये मिड पॉइंट का लेंथ ले लेंगे। देखिए, ये 50 mm का मिड पॉइंट, दैट इज 25 mm पे आएगा। ये लेंथ बोलो या ये लेंथ बोलो, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, तो वही लेंथ हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे बीच में हम यहाँ पे कट करेंगे, इधर भी हम कट करेंगे, उस टाइप का लेंथ यहाँ भी कट करेंगे और यहाँ भी कट करेंगे। तो देखिए, हमने चारों साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए और अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे सर्कल बनता है, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ये चारों मिड पॉइंट को हम नेमिंग दे देंगे, तो इसको हम कहेंगे पी,
ये हम कहेंगे Q, इसको हम कहेंगे R, और लास्ट में हम इसको कहेंगे S। तो ये पी क्यू आर एस जो कि स्क्वायर ए बी सी डी का मिड पॉइंट है। और अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, ये स्क्वायर के डायगोनल्स आप ड्रॉ करेंगे। डायगोनल्स ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, अपोजिट कॉर्नर्स को आप ज्वाइन करेंगे। तो ए से सी ज्वाइन करो और बी से डी ज्वाइन करो। देखो हमें डायगोनल्स यहाँ पे ज्वाइन करना है, ये देखो डायगोनल्स यहाँ पे ड्रॉ करना है स्क्वायर का डायगोनल। तो ये हम ए टू सी हम ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए ए टू सी ज्वाइन कर लिए, ये पहला डायगोनल। और ये दूसरा डायगोनल बी से डी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, बी टू डी हमने ज्वाइन कर लिए। देखिए ये दूसरा डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर लिए। प्रॉपरली चेक करो, जो हमने दो डायगोनल ड्रॉ किए, ये दोनों डायगोनल में एक डायगोनल का लेंथ ज़्यादा है, एक डायगोनल का लेंथ कम है। ये देखिए ये जो डायगोनल ए सी है, ये ए सी डायगोनल जो है ये लॉन्गर डायगोनल है, और ये बी डी डायगोनल जो है ये शॉर्टर डायगोनल है। इसका मतलब ए सी का लेंथ ज़्यादा है, बी डी का लेंथ कम है। तो जो छोटा डायगोनल है, जो शॉर्टर डायगोनल है, वो शॉर्टर डायगोनल के एंड्स आपको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। ये देखिए ये जो छोटा डायगोनल है, ये छोटे डायगोनल के एंड्स माने बी एंड और डी एंड, उसको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करो। तो आप क्या करेंगे, ये बी एंड को अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, माने ये एस और आर से ज्वाइन करेंगे। और उसी तरह से ये जो डी है छोटे डायगोनल का, ये जो छोटा डायगोनल, छोटे डायगोनल का ये जो एंड डी है, इसको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, माने अपोजिट मिड पॉइंट माने क्यू और अपोजिट मिड पॉइंट माने पी। ये क्यू और पी को ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग स्केल। तो ये देखिए ये हम सबसे पहले बी को आर से हम ज्वाइन कर लेंगे, माने शॉर्टर डायगोनल के एंड हम अपोजिट मिड पॉइंट को पहले ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखिए उसी तरह से बी टू एस हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ये हमने ड्रॉ कर लिए, ये देखिए। और उसी तरह से अब ये D को P और Q से ड्रॉ कर लेंगे, हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये D को P से ज्वाइन कर लेंगे और उसी तरह से D को Q से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद, तो ज्वाइन करने के बाद प्रॉपरली चेक करेंगे, तीनों एक जगह क्रॉस हो जाएंगे। ये देखिए ये लॉन्गर डायगोनल, ये एक लाइन जो आपने ज्वाइन की और ये जो लाइन आपने जो ज्वाइन की है, ये देखिए यहाँ पे तीनों एक जगह क्रॉस हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी तीनों एक जगह क्रॉस हो जाएंगे। तीनों एक जगह क्रॉस हो रहे, इट मीन्स जो हमने ड्रॉ किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर तीनों एक जगह क्रॉस नहीं हो रहे, इसका मतलब आपके ड्रॉइंग में एरर है। और तीनों जहाँ पे क्रॉस हुए, हम उसको नेमिंग भी दे देंगे। तो हम इसको नेमिंग दे देंगे एज, हम इसको कहेंगे एम और इसको कहेंगे एन। और अब ध्यान दीजिए कि कैसे हम सर्कल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, अब हमें सर्कल ड्रॉ करना है। अब हम सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास लेंगे और कंपास से हम बनाएंगे। तो देखिए कंपास में क्या करना है आपको, सबसे पहले ये B से S का लेंथ आपको लेना है। देखो B से S का लेंथ आप लेंगे, कंपास का सेंटर B पे रखो और S का आर्क आप R की तरफ घुमाएंगे। ये देखिए क्या किया हमने, B से S का लेंथ आप कंपास में लेंगे। देखो B से S का लेंथ आप, ये देखिए B से S का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, ठीक है। कंपास का सेंटर B पे रखो, ये देखो कंपास का सेंटर हमने B पे रखना है। ये देखिए कंपास का सेंटर B पे रखे और S से R की तरफ आप लेंथ ड्रॉ करो। ये देखो S से R की तरफ आपको ऐसे आर्क ड्रॉ करना है, S से R की तरफ। तो ये हमने S टू R ऐसा एक आर्क बना दिए, ये देखिए ऐसा। अब आप क्या करेंगे, B के अपोजिट में D है, तो ये D से P का लेंथ ले लो और D से P का लेंथ लेके कंपास का सेंटर D पे रख के P को Q की तरफ ऐसे घुमाओ। तो देखो हम कंपास लेंगे, कंपास में देखो D से P का लेंथ हम लेंगे। देखो D से P का लेंथ कंपास में है, D से लेके P का लेंथ हमने कंपास में लिए, कंपास का सेंटर D पे रखेंगे। ये देखिए कंपास का सेंटर हमने D पे रखे और P से Q की तरफ आर्क बनाओ। तो ये हम P से Q की तरफ आर्क बनाते हैं। और अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, M से लेके R का लेंथ लेंगे। ये देखिए यहाँ पे तीनों जहाँ क्रॉस हुए थे वो पॉइंट M और R, इतना हम कंपास में लेंथ लेंगे, कंपास का सेंटर M पे रखेंगे और R से Q तक ऐसा हम एक आर्क बनाएंगे। ये देखिए कंपास में R से लेके M का लेंथ हम ले लेंगे, तो ये देखिए हमने कंपास में R से M का लेंथ हमने ले लिए। कंपास का सेंटर M पे रखो और M पे कंपास का सेंटर रख के R से Q की तरफ आप एक आर्क बनाएंगे। देखिए कंपास का सेंटर हमने M पे रखे और ये R से Q की तरफ एक आर्क बनाएंगे।
तो ये इस तरह से। अब इतना होने के बाद देखिए एन से लेके पी का लेंथ लेंगे, देखो एन से पी का लेंथ लेंगे, जहाँ पे एन वहाँ से पी का लेंथ लेंगे, कंपास का सेंटर एन पे रखेंगे और पी से एस के तरफ आप एक आर्क बनाएंगे। देखिए कंपास का सेंटर एन पे रखो और एन से पी का लेंथ आप कंपास में लेंगे और कंपास का सेंटर एन पे रख के पी से आप एस के तरफ आर्क बनाएंगे। आप पी से एस के तरफ बनाओ या एस से पी के तरफ बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपास का सेंटर एन पे रहेगा। तो फाइनली ये बन गया आइसोमेट्रिक सर्कल एक्स वाई प्लेन में, ये हमने एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे। और अब हमें नेक्स्ट यही आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है इन वाई जेड प्लेन, इट मीन्स वाई और जेड प्लेन में, और उसको हम साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। तो वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करने के लिए फिर से हम यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों आइसोमेट्रिक एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम आइसोमेट्रिक सर्कल बनाएंगे वाई जेड प्लेन में। तो देखिए हमने यहाँ फिर से आइसोमेट्रिक एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए और अब हमें यहाँ वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करना है। तो अगर आपको वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप आइसोमेट्रिक ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो व्यू है ये है ऑर्थोग्राफिक व्यू, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू यानी ही 2D व्यू, आप ये ऑर्थोग्राफिक व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं। तो अगर आप वाई जेड प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्थोग्राफिक व्यू का राइट साइड का बॉटम कॉर्नर आपको ग्राउंड में लेना पड़ेगा। ये जो राइट साइड का बॉटम कॉर्नर है ये आप ग्राउंड में लेंगे अगर आप वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करेंगे। तो ये आप कॉर्नर बी, ये आप बी कॉर्नर जो है एंड बी आप नीचे लेंगे। याद रखो जब आप एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे, जब आप ऑर्थोग्राफिक व्यू से कुछ भी अगर आप एक्स वाई प्लेन में बनाएंगे तो एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते समय लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर आपको ग्राउंड में लेना है, और अगर आप वाई जेड प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं तो आप राइट साइड का बॉटम कॉर्नर आप ग्राउंड में लेंगे। तो अब हम वाई जेड प्लेन में ड्रॉ कर रहे थे इसलिए हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड का बॉटम कॉर्नर जो है वो हम ग्राउंड में ले रहे हैं। तो ये हमने ग्राउंड में ले लिए बी, और अब हम रिमेनिंग ए सी डी वो हम मार्क करेंगे। तो ये मार्क करना आसान है, तो ये जो बी से ए का लेंथ है, बी से ए का लेंथ हम कॉम्पास में लेंगे, बी के लेफ्ट साइड में ए है, तो यहाँ पे जेड एक्सिस के ऊपर बी के लेफ्ट साइड में ए रहेगा, वो हम कॉम्पास से यहाँ पे मार्क करेंगे। और फिर बी से सी का लेंथ, बी से सी का लेंथ जो है वो ऐसा वर्टिकल है, तो ये जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर आएगा और सी यहाँ पे ऊपर आएगा, तो वो भी हम कॉम्पास से मार्क करेंगे। और रिमेनिंग डी का जो पॉइंट है वो भी हमें मार्क करना है कॉम्पास से। तो आइए अब हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम B से A का लेंथ लेंगे, तो ये देखिए ये हमने B से A का लेंथ ले लिए, तो B से A का लेंथ हम यहाँ लेंगे, B के ऊपर कंपास का सेंटर रखेंगे और इधर हम लेंगे A, तो यहाँ हमने ले लिए A, और वही हाइट भी वही रहेंगी B टू C, तो यहाँ पे हमने C ले लिए, तो यहाँ पे आ गया C। फिर उतना ही लेंथ हम कंपास का सेंटर A पे रखेंगे और ऊपर आर्क बनाएंगे, फिर उतना ही कंपास का सेंटर सी पे रखो और ये आर्क पे कट करेंगे, तो जहाँ पे मिल जाएगा वो आपको पॉइंट डी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट डी मिला, अब ये डी से ए और डी से सी ज्वाइन करो और यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करो। तो अब हम ये डी से ए ज्वाइन कर लेंगे और डी से सी ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और अब ये स्क्वायर के अंदर हमें आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है, ये आइसोमेट्रिक स्क्वायर है, ये आइसोमेट्रिक स्क्वायर के अंदर अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो जो प्रोसेस यहाँ किए थे वही प्रोसेस आपको यहाँ रिपीट करना है। देखो अगर यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट था तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दो। तो सबसे पहले हम चारों साइड का मिड पॉइंट ले लेंगे, तो मिड पॉइंट के लिए आप मिड पॉइंट आप यहाँ से लेंगे, वो भी कंपास से। तो कंपास में हमने ये मिड पॉइंट ए से लेके मिड पॉइंट का लेंथ हमने कंपास में ले लिए और ये लेंथ हम यहाँ ए पे रखेंगे और ये ए बी के बीच में आप मिड पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पे ए और बी के बीच में मिड पॉइंट आएगा, देन बी के ऊपर आप रख के यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे मिड पॉइंट आएगा, फिर ए के ऊपर रख के हाइट में मिड पॉइंट ले लेंगे, तो ये मिड पॉइंट आ गया, फिर डी के ऊपर रख के आप इधर मिड पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट को नेमिंग हम फिर से यहाँ पे वही दे देंगे जो इसके पहले दिए थे, दैट इज़ पी क्यू आर एस। देखिए नेमिंग हमने वही दे दी। और अब इतना होने के बाद यहाँ पे डायगोनल्स यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे, जो स्क्वायर है उसके डायगोनल, एक लॉन्गर डायगोनल एक स्मॉलर डायगोनल। तो यहाँ पे हम डायगोनल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो सबसे पहले लॉन्गर डायगोनल हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लॉन्गर डायगोनल हो गया। और अब हम स्मॉलर डायगोनल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे,
तो ये स्मॉलर डायगोनल हो गया। और अब आप क्या करेंगे, स्मॉलर डायगोनल जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किए, स्मॉलर डायगोनल के एंड्स अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे भी आपने वही किए थे, स्मॉलर डायगोनल के जो एंड्स है बी और डी उसको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन किए थे, तो वहाँ भी आपको, यहाँ भी आपको वही करना है। स्मॉलर डायगोनल का नाम यहाँ पे ए सी है, तो स्मॉलर डायगोनल के जो एंड्स है ए और सी उसको अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। मतलब ये स्मॉलर डायगोनल का जो एंड ए है इसको अपोजिट मिड पॉइंट मतलब आर और क्यू के साथ ज्वाइन करो। उसी तरह से स्मॉलर डायगोनल का एंड सी है इसको S और P से ज्वाइन करो। तो चलो सबसे पहले A से हम Q और A से हम R ज्वाइन करेंगे। स्मॉलर डायगोनल के एंड्स अपोजिट मिड पॉइंट से हम पहले ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमने R से ज्वाइन कर लिए और अब हम यहाँ Q से भी ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए उसी तरह से स्मॉलर डायगोनल का जो एंड C है उसको S और P से हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने P से ज्वाइन किए, उसी तरह से S से भी हम ज्वाइन करेंगे और तीनों एक ही जगह क्रॉस होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखो। ये देखो तीनों एक ही जगह क्रॉस हो रहे हैं, तीनों जहां एक जगह क्रॉस हो रहे हैं उसको हम नेमिंग भी वही दे देंगे जो इसके पहले दिए थे। हम इसको कहेंगे M और हम इसको कहेंगे N। तो बिल्कुल सेम वर्क है जो यहां पे किए थे, वही वर्क हमने यहां पे किए हैं। और अब हम यहां कंपास का यूज़ करके सर्कल बनाएंगे। तो कंपास का यूज़ करके सर्कल अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्मॉलर डायगोनल के एंड्स के ऊपर आपको कंपास रखना है। ये देखिए स्मॉलर डायगोनल का एंड ए और एंड सी, तो ए से लेके क्यू का लेंथ आप पहले कंपास मिलेंगे, ए से क्यू का लेंथ कंपास मिलेंगे। कंपास का सेंटर ए पे रखेंगे और क्यू से आर की तरफ आर्क आर्क बनाएंगे। तो ये देखो ए से क्यू का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे, देखो ए से क्यू का लेंथ हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर ए पे रखो और क्यू से आर की तरफ एक आर्क बनाओ। तो ये देखिए क्यू से आर की तरफ हम एक आर्क बनाएंगे, ये देखिए क्यू से आर की तरफ हमने एक आर्क बना लिए। अब उसी तरह से ए के अपोजिट में सी है, सी से पी का लेंथ ले लो या तो सी से एस का लेंथ ले लो और एस को पी की तरफ ऐसे आर्क बनाओ। तो कंपास का सेंटर हम सी पे रखेंगे, सी से एस का लेंथ हम लेंगे और कंपास का सेंटर सी पे रख के आप पी की तरफ आर्क बनाएंगे। तो ये ऐसा बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, M से लेके R का लेंथ लेंगे, M से R का लेंथ लेंगे, कंपास का सेंटर M पे रखेंगे और R को S के तरफ ऐसे टर्न कराएंगे। ये देखो M से R का लेंथ हम कंपास में लेंगे और कंपास का सेंटर M पे रख के R को S के तरफ ऐसे घुमाएंगे। ये देखो ऐसा बनेगा। उसके बाद N से P का लेंथ लेंगे या N से Q का लेंथ ले लो, Q को P की तरफ घुमाओ, कंपास का सेंटर N पे रखेंगे। तो ये हमने कंपास का सेंटर N पे रखे, Q तक का लेंथ लेंगे हम। तो फाइनली हमने आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लिए है YZ प्लेन में। तो ये हमने YZ प्लेन में बनाया, तो ये हम यहां लिख लेंगे इन YZ प्लेन। और अब हमें लास्ट में एग्जेड प्लेन में ड्रॉ करना है, तो आइए अब देखते हैं कैसे एग्जेड प्लेन में बनेगा। तो अब हम एग्जेड प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर हम एग्जेड प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू से हम आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं, यानी 3D व्यू बना रहे हैं। तो देखते हैं कि ऑर्थोग्राफिक व्यू का कौन सा पॉइंट हम ग्राउंड में रखेंगे। तो यहाँ भी ऑर्थोग्राफिक व्यू में लेफ्ट का बॉटम कॉर्नर, ये लेफ्ट का बॉटम कॉर्नर ए जो है वो आप ग्राउंड में रखेंगे। इसका मतलब ये है कि एक्स वाई प्लेन में और एक्सजेड प्लेन में ये बिल्कुल सेम है। एक्स वाई प्लेन में जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर ग्राउंड में रखना है, वो हमने यहाँ रखे। और एक्सजेड प्लेन में भी जब भी आप आइसोमेट्रिक ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट का बॉटम कॉर्नर आप ग्राउंड में रखेंगे। तो ये एक्स वाई प्लेन और एक्सजेड प्लेन में ये बिल्कुल कॉमन रहेगा, लेकिन वाई जेड प्लेन में अलग है। वाई जेड प्लेन में जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं तो राइट साइड का बॉटम कॉर्नर आप ग्राउंड में रखेंगे। तो ये देखो वाई जेड प्लेन में राइट साइड का बॉटम कॉर्नर हमने ग्राउंड में लेके ड्रॉ किए थे। फिलहाल अब हम यहाँ एक्सजेड प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने ए कॉर्नर यहाँ नीचे ले लिए और अब ए से बी का लेंथ कंपास मिलेंगे। ए से बी और ए से डी ये बिल्कुल सेम है। ये देखो कंपास का सेंटर ए पे रखो, इधर मार्क करो तो आपको बी मिलेगा और कंपास का सेंटर ए पे रख के इधर मार्क करोगे तो डी मिलेगा। तो इधर मिला बी और इधर मिला डी। अब आपको सी मार्क करना है, कंपास का जो सेंटर है वो डी पे रखो, यहाँ पे बीच में एक आर्क बनाओ और कंपास का सेंटर बी पे रखो और वो आर्क पे कट करो।
ये देखिए जहाँ पे कट गया वो है आपका पॉइंट सी। अब ये सभी को ज्वाइन करेंगे, सी टू डी ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर का साइड सी डी, और ये सी टू बी ज्वाइन करेंगे ये बन जाएगा स्क्वायर का साइड बी सी। देखो जब भी आप स्क्वायर का आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो स्क्वायर के आइसोमेट्रिक में जो नीचे का कॉर्नर है वो हमेशा ऊपर के कॉर्नर की लाइन में आएगा, माने ऊपर और नीचे के दोनों कॉर्नर एक वर्टिकल लाइन में आने चाहिए। जब भी आप स्क्वायर का आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो रेक्टेंगल का नहीं, बाकी कोई भी प्लेन का नहीं, सिर्फ स्क्वायर के आइसोमेट्रिक में नीचे का कॉर्नर और ऊपर का कॉर्नर एक वर्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर आता है, माने वो हमेशा एक ही वर्टिकल लाइन में आएगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, उससे चेक करने में आसानी होगी, उससे आपको पता चलेगा कि आपका स्क्वायर जो है वो करेक्ट है कि नहीं। ए के ऊपर बराबर सी आया है, ये देखिए इट मीन्स ये करेक्ट है। और अब हमें ये आइसोमेट्रिक स्क्वायर के अंदर हमें आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पे आपने किए थे दोनों में, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चारों साइड के मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये देखो हमने ये हाफ लेंथ कंपास में ले लिए और ये चारों साइड का मिड पॉइंट हम यहाँ पे सबसे पहले मार्क कर लेंगे। तो ये पहले साइड का मिड पॉइंट, देन ए पे रख के दूसरे साइड का मिड पॉइंट, देन सी पे रख के तीसरे साइड का मिड पॉइंट, और ये डी पे रख के चौथे साइड का मिड पॉइंट। चारों साइड का मिड पॉइंट हमने ले लिए। यहाँ पे नेमिंग भी हम वही दे देंगे, पी क्यू आर एस, तो इसको हम कहेंगे पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। और अब इतना होने के बाद यहाँ पे लॉन्गर डायगोनल और स्मॉलर डायगोनल वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो इसके पहले भी हमने किए थे। तो ये बन गया लॉन्गर डायगोनल और ये बन गया स्मॉलर डायगोनल। देखो स्मॉलर डायगोनल में जो ए और सी है ये एक वर्टिकल में आना चाहिए और ये करेक्ट है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि ये जो ए सी का लाइन है ये एग्जैक्टली ग्राउंड को परपेंडिकुलर होगा, होना ही चाहिए। तो अब इतना होने के बाद देखो हमने लॉन्गर डायगोनल और स्मॉलर डायगोनल ड्रॉ कर लिए और अब क्या करेंगे, स्मॉलर डायगोनल के एंड्स अपोजिट मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। माने ये जो स्मॉलर डायगोनल ए सी है इसका जो कॉर्नर ए है, माने एंड ए है, उसको अपोजिट मिड पॉइंट आर और क्यू से हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। तो हम ए को अपोजिट मिड पॉइंट आर और अपोजिट मिड पॉइंट क्यू से सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे, और उसी तरह से ए का अपोजिट एंड सी है, सी को हम एस और पी से हम ज्वाइन करेंगे। तो सी टू एस और ये तो ये देखिए तीनों एक जगह क्रॉस होना चाहिए, वो हो गया। तो यहाँ पे हम नेमिंग भी वही दे देंगे, इसको कहेंगे M और इसको कहेंगे N। तो हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे M और ये N। और अब हम सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप फिर से कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास में A से R का लेंथ लेंगे, इट मीन्स ये जो स्मॉलर डायगोनल है, स्मॉलर डायगोनल का एंड A और एंड C के ऊपर आपको कंपास रखना है। A से लेके R का लेंथ आपको कंपास में लेना है, कंपास का सेंटर A पे रख के R से Q की तरफ आप आर्क बनाएंगे। ये देखो A से R का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, A से R का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, कंपास का सेंटर A पे रखो और R से Q की तरफ आप आर्क बनाओ। ये देखो R से आप Q की तरफ बनाओ, ये हमने R से Q की तरफ बना लिए। अब A के अपोजिट में C है, A के अपोजिट में C है तो कंपास का सेंटर C पे रखो, C से P का लेंथ ले लो, C से P का लेंथ और P को S की तरफ ऐसे टर्न कराओ, कंपास का सेंटर C पे रहेगा। और अब इतना होने के बाद हम M से R का लेंथ लेंगे, M से R का लेंथ कहो या M से S का लेंथ कहो, M से R का लेंथ लेंगे, कंपास का सेंटर M पे रखेंगे और R को S के तरफ ऐसे टर्न कराएंगे। तो ये देखिए M से R का लेंथ हमने ले लेंगे, ये M से R का लेंथ हमने ले लिए, कंपास का सेंटर M पे रखो और R को S के तरफ टर्न कराओ। उसी तरह से कंपास का सेंटर N पे रखो, N से P का लेंथ ले लो, N से P का लेंथ कहो या N से Q का लेंथ कहो, N से P का लेंथ ले लो, कंपास का सेंटर N पे रखो और P को Q की तरफ टर्न कराओ। तो ये देखिए N से P का लेंथ हमने ले लिए, कंपास का सेंटर हम N पे रखेंगे और P को Q की तरफ टर्न कराएंगे या Q को P की तरफ टर्न कराओ, एक ही है।
तो फाइनली ये हमने एक्सजेड प्लेन में भी ड्रॉ कर लिए, तो इस तरह से ये सर्कल बनेगा। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने तीनों प्लेन में सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। ये हमने एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किए, ये वाई जेड प्लेन में ड्रॉ किए और ये एक्सजेड प्लेन में ड्रॉ किए। आप जब भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो आपको दो बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि जब भी आप एक्स वाई प्लेन में और एक्सजेड प्लेन में बनाएंगे, एक्स वाई और एक्सजेड प्लेन में बनाते समय हमेशा लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर आपको ग्राउंड में रखना होता है। ये देखिए, ये जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है, ऑर्थोग्राफिक व्यू का लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर, ये लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर आपको यहां ग्राउंड में रखना होता है जब भी आप एक्स वाई प्लेन और एक्सजेड प्लेन में बनाएंगे तो। और अगर आपको वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करना है तो वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करते समय राइट साइड का बॉटम कॉर्नर, ये देखिए, ये राइट साइड का बॉटम कॉर्नर आपको ग्राउंड में लेके आपको ड्रॉ करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्कुलर प्लेन का आइसोमेट्रिक यहां पर पूरा हो चुका है। आप ये तीनों की प्रैक्टिस आप लोग घर में करिए। इसको ड्रॉ करना बहुत जरूरी है क्योंकि आइसोमेट्रिक के जितने भी प्रॉब्लम्स एग्जाम में स्टूडेंट्स ड्रॉ करते हैं उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम आता है सर्कल ड्रॉ करने में, क्योंकि रिमेनिंग आइसोमेट्रिक करेक्ट बनता है और जहाँ पे सर्कुलर स्लॉट आ गया या छोटे छोटे सर्कल आ गए ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको ये सब कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और प्रैक्टिस नहीं करने का उनको नुकसान होता है। तो इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल हमेशा करिए और इस टाइप का अलग से सर्कल ड्रॉ करके बॉक्स में फिट करना ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करके आप डायरेक्टली उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करके सर्कल बना सकते हैं। जितने mm डायमीटर का सर्कल हो उतने बाय उतने का आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है, जैसे 50 mm, 60 mm, 70 mm, 40 mm, जितना भी mm डायमीटर का सर्कल हो उतने बाय उतने का आपको यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करना है, जैसे हमने किए थे। हमने यहाँ पे पहले सर्कल ड्रॉ किए, सर्कल को बॉक्स में फिट किए। आपको ये अलग से ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली बॉक्स ड्रॉ करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे 50 mm बाय 50 mm का यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करने का, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करके ऐसे सर्कल ड्रॉ करने का। उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने बताया है वो आपको समझ में आया है। कुछ डाउट्स है तो आप हमको बिल्कुल बेझिझक आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सबसे मेन, ये हमने जो ड्रॉ किए हैं ये आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ किए आज हमने, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, ये हमने आज हमने आइसोमेट्रिक व्यू बनाए जो कि हमने एक्चुअल लेंथ यानी ट्रू लेंथ का यूज़ करके बनाया। 50 mm डायमीटर हमने सर्कल का ले लिए और ये हमने बनाया। और यही अगर आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होता तो हमने क्या किए होते, आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ किए होते, आइसोमेट्रिक स्केल से आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट किए होते 50 mm का, देन उसका यूज़ करके हमने आइसोमेट्रिक सर्कल हमने ड्रॉ किए होते। वो भी ऐसे ही बनता है लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में बनता है, थोड़ा सा छोटा बनता है, क्योंकि आइसोमेट्रिक लेंथ हमेशा एक्चुअल लेंथ से कम होती है। तो फाइनली आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके बाद हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल प्लेन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ हेक्सागोनल प्लेन, वो भी हम स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए थे वो सभी टॉपिक्स अगर आपने नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको वो सभी टॉपिक्स के वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो सभी टॉपिक स्टडी कर सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिल जाएं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।